सभी व्यूअर्स को जय हिंद। मैं कार्तिक भगत, सोशल एक्टिविस्ट। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से एक मैसेज जो है वो हम एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहे हैं। जैसा कि पूरे जम्मू कश्मीर के वासियों और एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही है कि युवा राजपूत सभा लगातार सरोवर टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर्स को लेकर लगातार सड़कों पर, और फिलहाल मेनली सरोवर टोल प्लाजा को लेकर, जिसको लेकर जम्मू की तमाम जनता जो है उससे नजायज़ टोल जो है वो वसूला जा रहा है। उसमें दोनों के दोनों तरीकों को से हम नजायज़ कह सकते हैं। क्यों? एक तो 65 किलोमीटर का जो दायरा है उसके अंदर सरोवर टोल प्लाजा है, दूसरा जो सड़क जो है, सड़क का निर्माण चल रहा है, सड़क इस हालत में ही नहीं है कि उस पर टोल वसूला जाए। तो दोनों की दोनों चीज़ों से जम्मू के लोगों के साथ बेइंसाफी से ये जो टोल माफिया कहूँगा मैं इसे, इस टोल वसूला जा रहा है, इसके खिलाफ जो युवा राजपूत सभा ने आवाज़ उठाई है, युवा राजपूत सभा की टीम को हम तमाम युवा, तमाम सोशल एक्टिविस्ट, तमाम एनजीओस के बिहाफ पर, मैं कार्तिक भगत, मेरे साथ चिनौर के पंच दविंदर जी, सामाजिक एक्टिविस्ट अब्दुल अजीज जी और जितने भी मेरे साथ तमाम यहाँ युवा बैठे हैं, उनके बिहाफ पे हम युवा राजपूत सभा को पूर जोर समर्थन देते हैं। और हम जिस दिन भी युवा राजपूत सभा की कॉल सरोवर टोल प्लाजा को उखाड़ने की होगी, हमारी तरफ से जो हम अकेले अपने साथ जो हमसे हथियार बनेंगे, उनके बड़े हथियार होंगे तो छोटे हथियार हम भी ज़रूर अपने साथ लेके आएंगे और सरोवर टोल प्लाजा को उस दिन उखाड़ के फेंकेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन से पहले तो हम दरख्वास्त करते हैं कि आप ये जो नजायज़ टोल है इसको बंद किया जाए, क्योंकि ये जम्मू की जनता पे एक तरह का डिस्क्रिमिनेटरी है, हम इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर मंडे से पहले पहले जो भी टाइम युवा राजपूत सभा ने जो अल्टीमेटम दिया है उससे पहले पहले अगर ये टोल जो है वो बंद कर दिया जाता है तो हमें वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम उसे आशीर्वाद समझेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के आराम में कोई भी रोड़ा नहीं बनेंगे। लेकिन अगर ज़बरदस्ती जिस तरह से अभी टोल लिया जा रहा है, लिया जाता गया तो मंडे के बाद सरोवर जो टोल प्लाजा वो वहाँ नहीं दिखेगा। बस इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम यही मैसेज देना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।